नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं कीर्ति और लेकर हाजिर हूँ हमारा खास कार्यक्रम आज का इतिहास। आज हम बात करेंगे 23 मई यानी आज के इतिहास के बारे में। इतिहास न सिर्फ अपने में घटनाओं को समेटे होता है बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे 27 मई को देश और दुनिया में क्या कुछ हुआ, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। साथ ही आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे और उनकी भी जो इस दिन दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। तो चलिए चलते हैं आज के इतिहास के सफर पर, जहां सबसे पहले हम बात करेंगे बुद्ध मेमोरियल पार्क के बारे में। तो चलिए जानते हैं बुद्ध मेमोरियल पार्क क्या था। बुद्ध मेमोरियल पार्क भारत के पटना जंक्शन के पास फ्रेजर रोड पर एक शहरी पार्क है। इस पार्क को विक्रम लाल द्वारा डिजाइन किया गया है और पार्क का उद्घाटन 14वें दलाई लामा ने आज ही के दिन यानी 27 मई 2010 को किया था। पार्क का निर्माण उस स्थान पर किया गया है जहां बांकीपुर सेंट्रल जेल का ऐतिहासिक युग कभी अस्तित्व में था। बिहार के बाहरी इलाके बेऊर में नई केंद्रीय जेल निर्माण के बाद पुरानी जेल व्यर्थ हो जाती है। यह पार्क बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिमाग की उपज है। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने 27 मई 2010 को बुद्ध स्मृति पार्क का उद्घाटन किया और यहां पर दो पवित्र बोधि वृक्ष लगाए। एक बोधगया से लाया गया और दूसरा श्रीलंका से। माना जाता है कि बोधगया में मूल महाबोधि वृक्ष की एक शाखा है जिसे श्रीलंका के अनुराधापुर ले जाया गया है। श्रीलंकाई प्रतिनिधि मंडल बुद्ध स्मृति पार्क में लगाए जाने वाले इस पेड़ का पौधा लेकर आए थे। इस पार्क का मुख्य आकर्षण 200 फीट ऊंचे पार्क के बीच बने स्तूप हैं, जिसे पाटलिपुत्र करुणा स्तूप के नाम से जाना जाता है। शहर के केंद्र में स्थित यह 22 एकड़ का पार्क पूरे स्तूप के अंदर बुद्ध का एक पवित्र राख का बर्तन है। पहले बुद्ध राख के बर्तन को पटना संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए रखा गया था। पार्क में एक संग्रहालय भी है जहां पर बौद्ध अवशेष स्थापित किए गए हैं। वहीं पार्क में एक मेडिटेशन हॉल भी है जिसका प्रवेश शुल्क 20 रुपए प्रति व्यक्ति है। वहीं पर बुद्ध की एक ऊंची मूर्ति भी है। शाम को पार्क में लेजर शो होता है। ये शो रामायण के समय से बिहार के इतिहास से संबंधित है। ध्यान केंद्र प्राचीन के मठों की योजना से व्युत्पन्न के लिए समर्पित एक अनूठी सुविधा बनाने के लिए विकसित किया गया है। इसमें कुल 60 वातानुकूलित सेल होते हैं जिसमें से प्रत्येक में स्तूप का एक दृश्य होता है जो शाक्य मुनि बुद्ध के पवित्र अवशेषों को दर्शाता है। इसके पुस्तकालय में एक बड़े ऑडियो विजुअल हॉल के साथ बौद्ध धर्म की किताबें भी हैं। हॉल को पार्क में आने वाले समूहों द्वारा उपयोग में करने के लिए डिजाइन किया गया है। यादों का पार्क एक खुला स्थान है जिसमें दुनिया भर के देशों के विशिष्ट स्तूप हैं। प्रत्येक को विशिष्ट देश के वास्तुशिल्प प्रतिनिधि में डिजाइन किया गया है। बुद्ध धर्म बिहार से लेकर दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में पार्क प्रतीकात्मक रूप से फैलाव का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें लगभग 5000 लोगों के बैठने की क्षमता है। संग्रहालय की इमारत भारत के बौद्ध गुफा मठों के मुक्त प्रवाह वाले प्राकृतिक रूप को प्रस्तुत करती है जो बिहार में पाए जाने वाले बरबार गुफाओं के सबसे पुराने उदाहरणों से विकसित हुई है। संग्रहालय में मूल कृतियों, 3D मॉडल, ऑडियो दृश्य माध्यम और मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों के माध्यम से बुद्ध के जीवन और समय को प्रदर्शित करता है। शाक्य मुनि बुद्ध के पवित्र अवशेषों का पता लगाने वाला स्तूप बुद्ध स्मृति पार्क का केंद्र बिंदु है। परिक्रमा के लिए स्तूप के चारों ओर एम्बुलेटरी रास्ते 3 अलग अलग स्तरों पर प्रदान किए गए हैं जो इमारत के उच्चतम स्तर तक ले जाते हैं। अवशेष स्तूप के सुरक्षित कांच के ढांचे के भीतर निहित है और देखने के लिए सुलभ है। जापान, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, श्रीलंका और तिब्बत के पवित्र अवशेष भी यहां देखे जा सकते हैं। तो
तो ये था बुद्ध मेमोरियल पार्क। वाकई ये पार्क अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे आज की से जुड़ी एक और ऐतिहासिक घटना के बारे में। आज ही के दिन 2010 में दो बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण किया गया था। तो चलिए जानते हैं इस गौरवशाली दिवस के बारे में। भारत ने आज ही के दिन यानी 27 मई 2010 में स्वदेश में निर्मित अपने बैलिस्टिक मिसाइलों पृथ्वी 2 तथा धनुष का उड़ीसा तट से कुछ दूर दो अलग अलग स्थानों पर लगातार एक के बाद एक सफल प्रायोगिक परीक्षण किया। इस तरह उसने अपनी सशस्त्र सेनाओं की मारक क्षमता को और पैना कर लिया। चांदीपुर स्थित एकीकर परीक्षण रेंज आईटीआर के निदेशक एस्पर दास ने कहा कि परीक्षण सफल रहे। स्वदेश में निर्मित सतह से सतह पर मार करने वाले पृथ्वी मिसाइल को यहां से करीब 15 किलोमीटर दूर आईटीआर के परिसर 3 से एक सचल प्रक्षेपक द्वारा सुबह करीब 5:48 पर दागा गया। इसी तरह धनुष मिसाइल को बंगाल की खाड़ी में INS सुभद्रा पोत से करीब 5:44 पर दागा गया। भारतीय नौसेना के कर्मियों ने अपने एक प्रशिक्षण अभ्यास के एक हिस्से के तौर पर दोनों मिसाइल लॉन्च किए। पृथ्वी 2 की मारक क्षमता 295 किलोमीटर है, जबकि धनुष की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। परमाणु क्षमता संपन्न धनुष पृथ्वी मिसाइल का एक ही नौसेना संस्करण है। स्वदेश में निर्मित सतह से सतह पर मार करने वाले पृथ्वी मिसाइल का यह प्रायोगिक परीक्षण सेना ने इस्तेमाल के दौरान उसकी उपयोगिता जांचने के लिए किया था। सतह से सतह पर मार करने वाला यह मिसाइल सैन्य बलों में शामिल किया जा चुका है। वहीं बताया गया कि सामरिक बल कमान स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने इस परीक्षण को अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि 350 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाला पृथ्वी मिसाइल भारतीय नौसेना को दुश्मन के ठिकाने को पूरी स्पष्टता के साथ भेदने की क्षमता मुहैया कराता है। देश के प्रतिष्ठित एकीकृत निर्देशक मिसाइल विकास प्रोग्राम के तहत विकसित पहला बैलिस्टिक मिसाइल है। एक चरण वाला यह मिसाइल तरण प्रणोदकों से संचालित होता है। यह 9 किलोमीटर लंबा है तथा इसका वजन करीब 6 टन है। इसका व्यास 1 मीटर है और यह 500 किलोग्राम आयुध ले जाने में सक्षम है। वहीं धनुष मिसाइल भी लक्ष्य का सटीक तौर पर पीछा करता है। वहीं पृथ्वी में अत्याधुनिक इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। यह आसानी से लक्ष्य को भेद सकता है। इसकी लंबाई 9 मीटर और व्यास 1 मीटर होता है। वहीं सूत्रों के मुताबिक पता चला था कि परीक्षण के दौरान अत्याधुनिक रडारों की मदद से इसकी दिशा की गहन निगरानी की गई थी। वहीं लॉन्च के बाद के घटनाक्रम का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रो ऑप्टिक टेलीमेट्री स्टेशन लगाए गए थे। यह मिसाइल बंगाल की खाड़ी में गिरा, जहां इसके प्रभावों का अध्ययन करने के लिए नौसेना का एक पोत तैयार था। इसके अलावा लंबी दूरी का एक ट्रैकिंग रडार और बहुआयामी ट्रैकिंग रडार भी तैनात किए गए थे, ताकि इसके पथ की निगरानी की जा सके। तो ये थी मिसाइल पृथ्वी 2 और मिसाइल धनुष। अब हम बात करेंगे आज के दिन जन्मी शख्सियत नितिन गडकरी के बारे में, जो भाजपा नेता हैं। तो चलिए जानते हैं नितिन गडकरी के बारे में कुछ खास बातें। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का नाम मोदी सरकार के सबसे बेहतरीन काम करने वाले मंत्रियों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। संघ के करीबी माने जाने वाले नितिन गडकरी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1976 में नागपुर यूनिवर्सिटी में भाजपा की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। महज 23 वर्ष की उम्र में ही वह भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। नितिन गडकरी का जन्म नागपुर जिले के एक मध्यम वर्गीय परिवार में आज ही के दिन यानी 27 मई 1957 को हुआ था। वह बेहद कम उम्र में ही भारतीय युवा मोर्चा और भाजपा की छात्र शाखा ABVP के लिए काम करने लगे थे।
नितिन गडकरी का कंचन गडकरी से विवाह हुआ था। दोनों के 3 बच्चे निखिल, सारंग और केतकी हैं। नितिन गडकरी महाराष्ट्र सरकार में 1995 से 1999 तक लोक निर्माण मंत्री का पदभार भी उन्होंने संभाला था। इतना ही नहीं, वह महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नितिन गडकरी की एक छवि इनोवेटिव मंत्री के तौर पर भी है, क्योंकि वाटर मैनेजमेंट, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट या फिर एग्रीकल्चर में कुछ नया इनोवेशन वे करते रहते हैं। नितिन गडकरी 1989 में पहली बार विधान परिषद के लिए चुने गए। नितिन गडकरी महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में महारत रखने वाले नितिन गडकरी महाराष्ट्र में बेहतरीन सड़कें बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। मोदी सरकार में भी सड़क परिवहन मंत्रालय की कमान संभालने के बाद उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मुकाम दिलाया। उन्होंने सरकार को राजी किया कि गांव कनेक्टिविटी के लिए करीब 700 करोड़ रुपए दे। अगले 4 वर्षों में महाराष्ट्र के कुल आबादी के 98% आबादी को सड़क संपर्क मिला। इससे राज्य के लोगों की कई परेशानियां खत्म हो गईं। इससे उन गांवों को सड़क मार्ग मिला जो कि स्वतंत्रता के बाद से सड़क के लिए तरस रहे थे। केंद्र सरकार ने उन्हें नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए की एक महत्वाकांक्षी योजना पेश की, जिसे आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। वे भाजपा प्रमुख होने के साथ साथ अपनी पूर्ति ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष हैं। वे महाराष्ट्र विधायी परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा वे बहुत सारी समितियों, संस्थाओं, संगठनों और सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए हैं। नितिन गडकरी अपने को राजनीतिज्ञ नहीं मानते हैं, वे खुद को व्यापारी उद्योगपति कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। वे कृषि के कामों से में भी गहरे जुड़े रहते हैं। उनकी पूर्ति ग्रुप ऑफ कंपनीज की बहुत से उद्योगों में मौजूदगी है। हालांकि इसके साथ ही उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे हैं। उन पर यह भी आरोप लगा है कि गडकरी ने राज्य के किसानों की मदद करने की बजाय अपने उद्योगों को बढ़ावा दिया। तो ये थे नितिन गडकरी। अब हम जानेंगे एक और राजनेता के बारे में जो आज ही के दिन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जी हाँ, आज ही के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ था। तो चलिए जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ रोचक बातें। भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद में हुआ था। उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था और माता का नाम स्वरूप रानी। पिता पेशे से वकील थे। जवाहरलाल नेहरू उनके इकलौते पुत्र थे और उनकी 3 पुत्रियां थीं। नेहरू जी को बच्चों से बड़ा स्नेह और लगाव था और वे बच्चों को देश के भावी निर्माता मानते थे। जवाहरलाल नेहरू को दुनिया के बेहतरीन स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से पूरी की थी। उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। हैरो और कैम्ब्रिज में पढ़ाई कर 1912 में नेहरू जी ने बार एट लॉ की उपाधि प्राप्त की और वे बार में बुलाए गए। पंडित नेहरू शुरू से ही गांधी जी से प्रभावित रहे और 1912 में कांग्रेस से जुड़ गए। 1920 में प्रतापगढ़ के पहले किसान मोर्चे के संगठित करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू घायल हुए और 1930 के नमक आंदोलन में वे गिरफ्तार हुए। उन्होंने 6 माह तक जेल भी काटी। उन्होंने 1935 में अल्मोड़ा जेल में एक आत्मकथा लिखी। उन्होंने कुल 9 बार जेल यात्राएं की। उन्होंने विश्व भ्रमण किया और अंतरराष्ट्रीय नायक के रूप में पहचाने जाने लगे।
जवाहरलाल नेहरू 6 बार कांग्रेस अध्यक्ष पद पर भी सुशोभित रहे हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में नेहरू जी 9 अगस्त 1942 को बंबई में गिरफ्तार हुए और अहमदाबाद जेल में रहे, जहां से 15 जून 1945 को वे रिहा किए गए। नेहरू ने पंचशील का सिद्धांत प्रतिपादित किया। 1954 में भारत रत्न से अलंकृत हुए नेहरू जी ने तटस्थ राष्ट्रों को संगठित किया और उनका नेतृत्व किया। सन 1947 में भारत को आजादी मिलने पर वह भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपलानी को सर्वाधिक मत मिले थे, किंतु महात्मा गांधी के कहने पर दोनों ने अपना नाम वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। आजादी के पहले गठित अंतरिम सरकार में और आजादी के बाद 1947 में भारत के प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 को उनका निधन हो गया। नेहरू पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों में सुधार नहीं कर पाए। उन्होंने चीन की तरफ मित्रता का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन 1962 में चीन ने धोखे से आक्रमण कर दिया। चीन का आक्रमण जवाहरलाल नेहरू के लिए एक झटका था और शायद इसी वजह से उनकी मौत भी हुई। जवाहरलाल नेहरू को 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये आपने जाना आज के इतिहास के बारे में। ऐसे ही हर रोज के इतिहास के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।